हेलो गाइस मैं पिंकी अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो गाइस सुबह का टाइम है मैं रामपुर पहुंच चुकी हूं और मैं लवी मेले के लिए जा रही हूं यानी कि पहुंच चुकी हूं मैंने मास्क पहना है क्योंकि सुबह का टाइम है ठंड भी है और धूल इतनी है बहुत ज़्यादा तो मैं इस मेले में एक बार नहीं चार बार चली गई हूँ तो इस तरह से ये लवी का यानी कि गेट स्टार्ट होता है ये देखो इधर मसाले वाली बैठी है मतलब गाइस डेढ़ महीना हो चुका है इस मेले में ये देखो नीचे कितनी सारी शॉप्स अभी भी पड़ी है डेढ़ महीना हो चुका है इस मेले का मतलब रश इतना है क्योंकि दो दिन रहे इस मेले के लिए तो इसीलिए रश भी बहुत ज़्यादा है मैं आपको दिखा रही हूँ नीचे ग्राउंड में देखो पूरी दुकानें दिख रही है अभी सारी जगह मतलब बहुत सी दुकानें अभी ऐसी रही है कोई उठ गए हैं किसी ने स्टॉल ख़त्म कर दी और ये है गाय क्या कहते हैं रोड में मैंने कुछ शॉप्स की ये वीडियो बनाई थी तो जो भी रोड में दुकानें पड़ी है वो अभी ऐसे कि ऐसी रही है शायद फर्स्ट तक वो ऐसी रहेगी वो नहीं उठेंगे अभी ग्राउंड में मतलब दो दिन से खाली हो जाएगा ये देखो ये हैं टोपियाँ और ये हैं स्टॉल कुछ लोगों ने ये देखो सामान पैक कर दिया है स्टॉल मतलब बंद कर दिए हैं सामान अपना अपना पैक कर दिया है ये देखो इधर खाने पीने की सामग्री है मतलब खाली जगह हो गई है देखो किसी ने अपने टेंट मतलब उखाड़ दिया है ये देखो इधर सामान पैक करके रखा है और ये है देखो स्टॉल ये बहुत कॉस्टली है यानी कि पंद्रह पंद्रह बीस बीस हज़ार इनकी कॉस्ट है ये गर्म होती है और बहुत ही मतलब प्योर जो ऊन होती है उससे बनी होती है तो इस तरह से हमने सारा इंजॉय कर दिया है अब हम भी घर की और जाने लगे हैं तो मैं हम अब रास्ते में थोड़ा सा वीडियो दिखा रही हूँ आपको सतलुज नदी की ये सतलुज नदी है इस तरह से गाइज हम अपने घर आ चुके हैं अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे ओके